प्रियंका गांधी यूपी में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर चुकी हैं। सोनभद्र और उन्नाव के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ और मुजफ्फरनगर में लगातार प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों से मिल रही हैं। CAA और NRC को लेकर यूपी में जो बवाल कटा और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसको लेकर विवाद बढ़ने लगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ झुकने को तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा CAA मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रियंका गांधी ने पहले यूपी पुलिस के बहाने से मुख्यमंत्री पर सीधा अटैक किया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर टिप्पणी के साथ प्रियंका गांधी ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी होकर भगवा वस्त्र तो धारण किए हुए हैं लेकिन वो उसकी अहमियत नहीं समझते। ये भी कुछ कुछ वैसा ही था जैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गीता का संदर्भ देते हुए ये समझाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व की ठीक ठाक समझ नहीं है। लेकिन यूपी में बिना सोचे समझे प्रियंका ने भगवा और हिंदुत्व को लेकर जो बातें कह दी वो उनके लिए उल्टा पड़ गईं। प्रियंका के बयान पर पूरे का पूरा बीजेपी कुनवा योगी के बचाव में उतर गया। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से भी प्रियंका गांधी के बयान पर कड़ा रिएक्शन आया है और चेतावनी दी है कि सन्यासी के यज्ञ में जो भी बाधाएं खड़ा करेगा उसे दंड का भागी भी बनना होगा। हालांकि योगी के बयानों के बाद और भगवा मुद्दा उठने के बाद प्रियंका को समझ में आ गया कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जाल में फंस रही हैं। प्रियंका ने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदली और फिर वापस CAA और NRC को लेकर अपना पुराना रुख अख्तियार कर लिया। यानी प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने का सिलसिला जारी रखा। प्रियंका ने 4 फरवरी को CAA हिंसा में मारे गए नूरा के परिवार वालों से मिलने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंची और परिजनों का हाल जाना। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता इमरान मसूद और पंकज मलिक भी थे। बता दें कि मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था और इस दौरान हुई हिंसा में नूरा की मौत हो गई थी। यानी मामला साफ है कि आने वाले समय में प्रियंका इस मुद्दे को आसानी से जाने नहीं देंगी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगी कि हिंदू और हिंदुत्व को लेकर योगी पर सीमित बयानबाजी की जाए ताकि धार्मिक सेंटीमेंट का फायदा बीजेपी ना उठा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है।